अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेहत 24/7 लाइव। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आनिश चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाइव प्रोग्राम है और हम इसमें डिस्कस करते हैं आपकी रोज़मर्रा से रिलेटेड सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को। हर रोज़ हम हर दफ़ा जब भी हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, हम एक इशू को पिक करेंगे और उसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे विद अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, और उसके बाद हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और ईमेल्स, जिस पे आप हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, हमसे उसका हल पूछ सकते हैं। और आज का हमने टॉपिक जो रखा है, दैट इज़ टॉन्सिलाइटिस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है, आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और इसके मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप हमें लाइव कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और आज इस इशू से रिलेटेड हमने जिस स्पेशलिस्ट को इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उनका नाम है डॉक्टर नवीद असलम, जो कि ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं इन शेख जायद हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम यू। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। आज हमने एक टॉपिक रखा है टॉन्सिलाइटिस, जो कि आप जैसे जानते हैं ENT में ये बहुत कॉमन एक इसके पेशेंट्स आते हैं, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली इस व्हाट वी कॉल लिम्फोइड टिश्यू होता है गले में, देयर इज़ वन ऑन ईच साइड। और इनिशियली जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है मुदाफियत का, उसमें वो थोड़ा सा उसकी इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये इनिशियल स्टेजेस में। इनिशियल स्टेजेस में, बाद में नहीं? अगर बाद में लिम्फोइड सिस्टम बहुत बड़ा होता है तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ओके। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि टोटली इम्यूनिटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक। और टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, जो कि ये जो गले में जो अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि उनके गले में दर्द हो रही है या उनको जो खाने में प्रॉब्लम होती है, गला ख़राब हो जाता है, जी। तो ये टॉन्सिलाइटिस किसको कहते हैं और ये क्या कंडीशन होती है? इसी टॉन्सिल्स के अंदर अगर कोई जरासीम उसको इन्फेक्ट कर दें तो दे बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और कॉमन जो सिम्टम्स उसमें होते हैं, बुखार, और बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं, बॉडी एक्स, टेम्परेचर, ये सारा कुछ होता है। और ये कितनी देर का पीरियड होगा तो इसको हम ये पेरेंट्स भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस है? आमतौर पर जो टिपिकल है ना, वो ये होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, बच्चा बड़ा अनवेल हो जाता है। कुछ तो गले ख़राब वैसे होते हैं जो वायरल होते हैं, जी जी, लेकिन इसमें यूजली बच्चा इज़ वेरी अनवेल, टेम्परेचर 104-105 तक चला जाता है, खाना पीना ऑफ हो जाता है, यूजली एंटीबायोटिक्स के बगैर ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता। और कितनी देर तक रहता है ये वाला, जिसको हम एक दो दिन रहे या फिर 5-7 days तकरीबन टोटल इसका होता है ड्यूरेशन? बच्चों में ज़्यादा होता है या बड़ों में भी ज़्यादा? बच्चों में तो बहुत कॉमन है, एडल्ट्स में रिलेटिवली कम कॉमन है। इसमें लाइक बड़ों में भी वैसे तो हो जाता है, अगर किसी को बचपन से है तो वो बड़ा हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो बार बार रिकर कर सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है। कुछ बच्चे तो ग्रो आउट कर जाते हैं, व्हाट वी कॉल के विद टाइम वो कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं करते उनको एडल्ट्स में भी होता रहता है। राइट। अच्छा, तो सर ये बताएं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, लाइक किस वजह से ये जो है टॉन्सिलाइटिस इतना कॉमन है और पाकिस्तान में स्पेशली इसकी क्या वजह है? देखिए, होता तो सारी दुनिया में ही है, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। सिर्फ एक ट्रिगर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अगर आप ये जो फिजी ड्रिंक्स और इस टाइप की और जो चीज़ें हैं, ये लेमन बेस या सिट्रस या चटनियाँ और ये सारी चीज़ें ट्रिगर ऑफ फैक्टर्स बन जाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो सर भी कॉल आई, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं जी। अच्छा, वैसे ये यूजुअली कहा जाता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो अगर इन बच्चों में, यानी जब बच्चों में जब बड़ों में भी, तो ये खट्टी चीज़ें क्यों इतना कॉज बनती हैं टॉन्सिलाइटिस की, और फिर उसको क्या करना चाहिए? आई थिंक अगर तो आप प्योर सिट्रस की बात करें तो वो तो यूज़फुल है जी, लेकिन खट्टी चीज़ों की मतलब ये है कि जिसमें मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, इमली टाइप की चीज़ें, वो सारी वो इरीटेट करती है ना थ्रोट को, जी जी। और जो तो कमर्शियल खट्टी चीज़ें, उनमें तो फिर केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स भी आ जाता है इशू। ये जो अक्सर स्कूल के बाहर बच्चों के लिए वो चने और चाट टाइप चीज़ें होती हैं, और जिसमें उन्होंने जितनी भी मज़ेदार चीज़ें हैं वो गड़बड़ कर सकती हैं। राइट, मगर मज़ेदार चीज़ों से बच्चों को परहेज करनी चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है टॉन्सिलाइटिस की। अच्छा, इसमें कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है कि अगर किसी को फैमिली में चलता आ रहा है, पेरेंट्स में है, तो तब भी बच्चों में ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं? इसमें ट्रांसमिशन तो नहीं है, कुछ तो बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्रांसमिशन, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एलर्जीज हैं तो बच्चों में ज़रूर आती हैं। इसमें ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ट्रांसपोजिशन हो, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि अगर चांसेस देखा गया है कि पेरेंट्स को हो तो बच्चों में अक्सर ये, उसमें थोड़ा सा टेंडेंसीज, उसमें लाइफ स्टाइल, उसमें हैबिट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें परहैप्स आ जाती हैं, लेकिन फैमिलियल नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर पेरेंट्स को हों तो बच्चों को होंगे। अच्छा, ये ड्यूरिंग एग्जाम वगैरह, ये जो स्कूल का टाइम होता है, जो जब स्पेशली बच्चों के एग्जाम होने वाले होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। देखा गया है कि उनके ये गले ख़राब होने की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, इवन नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये क्यों बढ़ जाती हैं? स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस और ये जो ओवरवर्क एंड फटीग, वो भी एक ट्रिगर ऑफ फैक्टर्स हैं स्ट्रेस जो है. जी बिल्कुल. और इसी तरह देखा गया कि एग्जाम के टाइम पे अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड ऑल दैट. एग्जाम स्ट्रेस से ये. अच्छा, अभी कॉल हम लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मैडम, मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन करना है. जी श्योर. आप ना कहना 21 मार्क हो गए हैं, मतलब कहना मुझे खांसी बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक ना दम से आती है, ज्यादा खांसी नहीं है, गला बिल्कुल ठीक है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कोई ठंडी चीज कोई कोल्ड ड्रिंक को ले लेता हूँ ना तो फिर एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है. आपका नाम बताए प्लीज. राणा गुलजार, उपाड़ा से बात कर रहा हूँ मैं. जी राणा साहब, आप प्रॉब्लम ये है कि 20 दिन हो गए खांसी बहुत है एकदम से, मतलब आती है. ठीक है. एकदम से मतलब फुल जोर से आती है, क्या कभी रात को सोते हुए अचानक आ जाती है. अच्छा. बस कोई गला खराब हुआ था आपका? नहीं गला खराब नहीं हुआ, मैंने चेकअप मतलब के करवाया था, गला बिल्कुल ठीक है, मतलब खाने के टाइम खाने दर्द नहीं होता, जैसे कोई ठंडी चीज खा ले कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो फिर अचानक मतलब भी आ जाती खांसी. डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे इनसे, बुखार वगैरह तो नहीं है इसके साथ? बुखार तो नहीं है आपको? नहीं नहीं बिल्कुल बुखार भी नहीं है, पर रात को सोते हुए अचानक एकदम से जैसे कोई गले में चीज आ गई फिर खांसी आनी शुरू हो जाती है. आपको फ्लू हुआ था पिछले दिनों कभी? हाँ वो हुआ था मतलब बीच में. ठीक है जी गुलजार साहब, अभी हम आपको आप आंसर करते हैं. थैंक यू सो मच. जी डॉक्टर साहब, इनके क्वेश्चन का आप आंसर दे दें. हाँ, इसमें जो जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि उनको एलर्जी रिलेटेड इशू है, और कई दफ़ा होता है कि इन्फेक्शन होती है लेकिन एलर्जी परसिस्ट करती है. ठीक. जो इन्फेक्शन है उसमें तो बुखार और बाकी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं जी. लेकिन जो एलर्जी है उसका बेसिकली इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं है, कुछ तो प्रिवेंशन है कि खाने पीने में एहतियात करें और अपने लोकल डॉक्टर से मिलकर कोई एंटी एलर्जी प्रिस्क्राइब करवा लें. अगर उनको फ्लू हुआ था पिछले दिन, अक्सर होता है कि फ्लू के बाद जब वो रिसीड कर रहा होता है तो मे बी कंजेशन हो जाती है चेस्ट में, वो एलर्जी रिलेटेड ही होते हैं सिम्टम्स. एलर्जी रिलेटेड ही होते हैं. तो अगर कोई स्पूटम वगैरह हुआ तो एंटीबायोटिक लेंगे नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट. हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि अगर बुखार नहीं है कोई और सिम्टम्स नहीं तो एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं. एंटी हिस्टामिन कोई एंटी एलर्जिक ले लें, और इसके अलावा स्टीम भी वर्क कर सकती है? स्टीम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है लेकिन अगर महीने से है तो वो तो इतना हेल्प नहीं करेगी. ओके, तो बेसिकली कोई एंटी हिस्टामिन या कोई एंटी एलर्जिक ले लें आप. ठीक है. अच्छा जी, हम आगे से वहीं से बात शुरू करते हैं. तो आप मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो टॉन्सिलाइटिस है ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है? हाँ जी, वायरल जो है वो जिसको हम सोर थ्रोट्स ले आते हैं ये वही है जो सीजनल होता है कि कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत और आपका गला ख़राब हुआ, उसमें जनरली देखने में टॉन्सिल्स के ऊपर कोई पस वस नज़र नहीं आती, बुखार उतना ज़्यादा नहीं होता, और आमतौर पर ये सेल्फ लिमिटिंग है. सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि एक दो दिनों में खुद ही ईज ऑफ हो जाता है जी. उतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होते, बच्चा उतना सिक नहीं होता. राइट. और ये इम्पॉर्टेंट होता है डिफ्रेंशिएट करना, बिकॉज ताकि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना दी जाएँ. जो बैक्टीरियल है उसमें देखने में पस नज़र आती है, टॉन्सिल स्वेल अप कर जाते हैं और बच्चा जनरली मोर अनसिक होता है. वायरल में स्वेल अप नहीं करते? नहीं, उसमें उतनी स्वेलिंग वगैरह नहीं होती. खाने में इतनी तकलीफ नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अदरवाइज नॉर्मली इतना नहीं होता. बुखार होता है, गला थोड़ा सा दुखता है और खांसी होती है, दैट इज मोर ऑफ अ वायरल थिंग. तो ये एक स्पेशलिस्ट देख के ये डिसाइड कर सकता है कि ये बैक्टीरियल है या ये वायरल है? आमतौर पे जनरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह भी देख के थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं. हाँ जी. अभी हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम विकास है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि मुझे साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, तो तकरीबन 4 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, और मेरे सर में बहुत शरीर दर्द रहता है, और जो म्यूकस का प्रॉब्लम है मेरे सांस की नाली में, और सुबह जब उठता हूँ तो मतलब मेरे नाक बंद होता है. मैंने ऑपरेशन भी करवाया अपना जो है नाक का. ऑपरेशन किस चीज़ का कराया है? नाक में उन्होंने कोई अंदर से कोई चीज़ काटी है? जी जी, ये जो मैचिंग डीएनएस जिसको कहते हैं. अच्छा, डीएनएस का ऑपरेशन कराया है. और उसका करवाया था लेकिन वो ड्रेन हो, तो वो डॉक्टर ने कहा था मुझे कि वो ड्रेन हो जाएगा और खत्म हो जाएगा आपका जो इसको बोलते हैं रेशा बोलते हैं. अच्छा. तो वो मुसलसल अभी जारी है और मेरे गले में, और हर टाइम मेरे गले में प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा मैं इसको मतलब. विकास, रेशा गिरता है आपके गले में? जी जी. अच्छा ठीक है. बार बार और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ. अभी मुझे फ्लू है और मतलब बाहर डस्ट एलर्जी भी है मुझे. ओके. काफी चेहरे मतलब चेहरे में मतलब पूरा जो चेहरा है मेरा उसमें जलन होती है, मतलब अंदरून में ऐसा फील होता है, बहुत सर भारी महसूस होता है. ओके विकास, थैंक यू सो मच. अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी डॉक्टर साहब.
एक तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि यूजुअली जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो एलर्जी इज़ वन ऑफ देम. अगर उन्होंने बताया नहीं कि वो स्मोक करते हैं, अगर किसी ऐसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट वगैरह हो तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. अगर डस्ट से एलर्जी हो जाती है और स्मोकिंग अगर करते हैं तो ही हैज़ टू स्टॉप दैट. ठीक है, बाकी जो DNS का करवाया है वो यूजुअली अगर ब्लॉकेज हो तो उसको तो हेल्प करता है, लेकिन अगर साइनसिस के इन्फेक्शन को इतना हेल्प नहीं करता. ठीक है, आजकल के दौर में हम लोग कुछ स्पेशल एक्सरेज करते हैं, उसमें हम CT स्कैंस कहते हैं साइनसिस के. ठीक. एंड उसका होल आइडिया ये है कि गलत ऑपरेशन ना हो, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम उसको ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज उनको हम एंटी एलर्जी तो इन चीज़ों के साथ ट्रीट करते हैं. तो ये उनको एंटी एलर्जी लेनी पड़ती है जिनको ऐसी कोई उनको डिपेंड करता है. उसमें कई दफ़ा कुछ हफ्तों के लिए भी कुछ नेजल स्प्रेज और एंटी एलर्जीज होते हैं जो कि उसको सब्साइड करने के लिए होते हैं. इनके केस में नेजल स्प्रे, स्टीरॉइड नेजल स्प्रे यूज़ हो सकता है, मेरे ख्याल में तो काफ़ी यूजफुल होंगे. लेकिन वही बात है कि ये एडवाइस तब होनी चाहिए अगर वो किसी स्पेशलिस्ट को मिले. ठीक है, ठीक है. एक दफ़ा मिल के उनकी एडवाइस ले लें और कोई एक्सरेज वगैरह या CT स्कैन हम करवाते हैं वो करवा के रूल आउट कर लें कि साइनस का इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन ही मे रिक्वायर ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. राइट, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, अभी एक वाइट ब्रेक का टाइम है, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन का सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे. आप हमारे साथ रहिएगा. सी यू आफ्टर ब्रेक.